हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म कर लिया था दोस्तों, और हमने कल जाना था कि कंप्यूटर के काम करने के आधार पर, उनकी वर्क के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया था। तो हमने कल जाना था दोस्तों कि तीन प्रकार के कंप्यूटर में भागों में बांटा गया है, वर्क के आधार पर: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर। मैंने सबकी आपको फोटो दिखा दी थी, ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर की मैंने आपको तस्वीर दिखा दी थी। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में भी हमने आपको बहुत कुछ बता दिया था। तो ये टॉपिक तो हमारा कल खत्म हो गया था। अब हम अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं, और टॉपिक का नाम है उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑफ पर्पज, यानी किसी एक पर्पज के, यानी किसी एक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर को बनाना। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके सब लोग जुड़ जाइए, और क्लास को जितनी जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए, और क्लास में नए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट तैयार करने के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर में सबसे पहले देखेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। अभी के समय में जिस कंप्यूटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उन्हें हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। इन्हें बिल्ड किया गया होता है बहुत से वैरायटी के प्रोसेसिंग को जॉब करने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। कौन कौन से होंगे, एक एक चीज आपको क्लियर बताएंगे। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा क्या बता रहे हैं सर, मैं एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, स्टार्टिंग में लगता है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए इधर आ जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है ना। देखिए, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया होता है कोई स्पेसिफिक कार्य करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए तैयार, और ज्यादातर उनका उपयोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। इसलिए इन्हें डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहा जाता है। कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? किसी एक मुख्य उद्देश्य के लिए तैयार किए जाने वाले कंप्यूटर को डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक सिंगल टास्क को बार बार करने के लिए ही बने होते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल पर्पस की जो कंप्यूटर बने होते हैं वो केवल एक सिंगल काम करने के लिए बने होते हैं, उनको केवल एक ही उद्देश्य बनाया गया होता है। जैसे आपने देखा होगा सिटी स्कैन जो मशीन रहती है दोस्तों, उसमें भी कंप्यूटर का यूज होता है। लेकिन जो सिटी स्कैन जो मशीन होती है, उसमें आपने देखा होगा वो मशीन, वो कंप्यूटर केवल एक ही काम करता है। वो क्या करता है? केवल वो क्या करता है दोस्तों? सिटी स्कैन करता है। अब आप लोग ने, इसमें हमको टाइपिंग सीखनी है, इसमें हमको सीबीसीटी निकालना है, इसमें हमको आईटीआईटीओ की तैयारी करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि वो एक पर्पज से बनाया गया है दोस्तों। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक्सरे की मशीन हुई दोस्तों, क्या है दोस्तों? एक्सरे की मशीन क्या करेगी? वो एक्सरे तो खींचेगी, इसके अलावा तो कुछ देखिए, हर हर किसी में कंप्यूटर है। वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों, वो भी एक मशीन का, एक कंप्यूटर का ही प्रकार है। उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं, जो प्रोग्राम्स उसमें डाले गए हैं, उसके अंदर भी मशीन लगी होती है, इसको वो भी कंप्यूटर का एक प्रकार होता है। तो उसमें कपड़े धुलेंगे आप, कपड़े धुल के वो मशीन आपको सुखा भी देगी। अब आप उसको बोलोगे नहीं मुझको प्रेस भी करके दो, तो वो करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि वो उसके स्पेशल पर्पज से बनाया गया है। तो एक किसी स्पेशल पर्पज से बनाए गए कंप्यूटर को हम डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा अगर हम नीचे की ओर चलेंगे, अब हम आकार के आधार पर जानेंगे, ठीक है ना। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को जानेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। याद रखिए, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अब यहां से इसकी मत करना, यहां से असली काम स्टार्ट होगा। हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर सबसे, अभी प्रेजेंट टाइम वर्तमान में 2024 चल रहा है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, कैसा दिखता है। अभी तक आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, अभी आपने देखा नहीं होगा कभी, दिखते कैसे हैं और लगते कैसे हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बारे में हर एक चीज बताऊंगा। पहले सुपर कंप्यूटर जान लेते हैं, ये होते क्या है। देखिए, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। कौन होते हैं ये? सबसे तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक ना। सुपर कंप्यूटर होते हैं, वह बहुत अधिक डेटा को काफी समय में इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं। वो लाखों खरबों डेटा को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को सेकंडों में, मिनी सेकंड, नैनो सेकंडों में उनको दोस्तों इंफॉर्मेशन में बदलने में सक्षम होते हैं। इनका प्रयोग बड़े बड़े कार्यों में होता है दोस्तों। जैसे कि कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहाँ होता है, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना, सबसे ज्यादा इनका यूज वहां पर होता है। डाटा माइनिंग के लिए होता है, जटिल सिमुलेशन के लिए होता है, मिसाइलों के प्रशिक्षण के लिए होता है, डिजाइन के लिए होता है, परमाणु, देखिए आपने देखा होगा परमाणु बम, तो आपने कभी परमाणु बम जो बनता होगा देखा होगा, इस देश ने एक परमाणु बम तैयार कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखकर आपको बता रहा हूँ, इसी देश ने मान के चलिए परमाणु बम एक तैयार कर लिया है, ये परमाणु बम हमारा, ठीक है ना। तो परमाणु बम तैयार कर लिया है, तो
जी कैसे पता लगाती हैं कि ये परमाणु बम इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, अगर किसी देश पर अगर इसको गिरा दिया जाए या किसी शहर पर इसको गिरा दिया जाए तो इतने इतने लाख लोग मारे जाएंगे इतने सेकंड में, इतनी तबाही होगी, इतनी गर्मी होगी, इतना वोल्टेज होगा इसका, इतना तापमान बढ़ जाएगा, और कब तक इसका असर रहेगा, कौन कौन सी गैसेस से निकलेंगी। तो ये क्या बनाने के बाद इसको यूज करते हैं क्या? मान के चलिए इन्हें परमाणु बम बना दिया, अब जी कहीं पर इनको गिराने की अनुमति थोड़ी ना है। हालांकि प्रशिक्षण होता है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि बिल्कुल उसको सेम टू सेम वैसा करके देखा जाए। तो उससे जो अनुमान जो लोग लगा लेते हैं तो किसके द्वारा लगाते हैं, ये गणना करके कौन देता है इन्हें? तो याद रखिए ये पूरी परमाणु की गणना करके इनको सुपर कंप्यूटर ही देता है दोस्तों। कौन देता है? सुपर कंप्यूटर ही देता है, ठीक ना। तो सुपर कंप्यूटर में इतनी क्षमता होती है कि वो गणना करके दे देगा आपको कि अगर इस परमाणु बम को किसी पर देश या किसी शहर पर गिराया जाएगा तो इतना इतना नुकसान हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी गणना कौन करता है? सुपर कंप्यूटर करता है। आप जैसे किसी जटिल गणना को कम समय में पूरा करने के लिए बहुत से प्रोसेसर एक साथ पैरेलल काम करने पड़ते हैं दोस्तों, इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया है कि बहुत से काम है जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके काम करने की प्रोसेस क्या होती है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है दोस्तों। तो कंप्यूटर के अंदर, सुपर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होती है वह पैरेलल प्रोसेस पर वर्क करता है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने यहाँ पर रेड कलर से इसको थोड़ा सा लिख दिया है आपके लिए, कभी भविष्य में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सुपर कंप्यूटर किस प्रोसेस पर काम करता है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग पर करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहां से अपना मुख्य पॉइंट देखेंगे दोस्तों। मुख्य पॉइंट क्या है यहां से देखिए, सही उत्तर फ्रंटियर। क्या है फ्रंटियर देखते हैं दोस्तों, अभी हम सुपर कंप्यूटर देख रहे थे, अब फ्रंटियर देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर फ्रंटियर जापान के फुगाकू को छोड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया दोस्तों। याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर पहले कौन सा था? तो याद रखिए दुनिया का सबसे तेज जो कंप्यूटर था वह जापान का फुगाकू था दोस्तों। कौन सा था? मैं यहां पर आपको लिखकर बता देता हूं, जापान का कंप्यूटर फुगाकू था दोस्तों। लेकिन लेकिन ये कब तक था? ये पहले था, अभी नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर से देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, क्या नाम है इसका? फ्रंटियर जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। फ्रंटियर अमेरिका ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल, यहां से देखिए ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है दोस्तों। किसके लिए? ऊर्जा विभाग के लिए बनाया गया है, याद रखिए ये। तो ऊर्जा विभाग के लिए किसने बनाया था? तो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने बनाया गया है दोस्तों। और यह 1.1 एक्साफ्लॉप्स के लैंडमार्क फ्रेंच मार्क स्कोर तक पहुंच गया है। याद रखिए ये आंकड़ा याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप लोग सब। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर किस देश के पास है अब? तो अब है अमेरिका के पास, अमेरिका के पास है। उसका नाम क्या है? फ्रंटियर नाम है। क्या नाम है? फ्रंटियर नाम है। क्लियर है? पहले कौन था? फुगाकू था। फुगाकू के अंग कौन निकल गया है? फ्रंटियर निकल गया है। क्लियर है? अभी तक आपने इतना जान लिया। अब आपने कभी सुपर कंप्यूटर को देखा है कैसा दिखता है, कैसे दिखने में लगते हैं? हालांकि आपने पहले की इमेज देखे होंगे कहीं पर, लेकिन जो जो अमेरिका अमेरिका का का सबसे सबसे तेज तेज कंप्यूटर कंप्यूटर दोस्तों वो कैसा दिखता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट इतनी सी करना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज अगर चैनल बनाए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत मेहनत लगती है क्लास को तैयार करने में दोस्तों। तो देखिए आने वाले समय में हम लोग आपके लिए सीबीएसई के टेस्ट भी बनाएंगे जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में कैसा क्या है, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको दुनिया की सबसे तेज कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर जो कि अमेरिका का कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर, उसकी फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है दोस्तों हमारा सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर चलने वाला जो कि अमेरिका देश के पास है और इसका नाम है फ्रंटियर। यहाँ पर लिखा भी हुआ, अगर आप देख सकते हैं अच्छे से, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है फ्रंटियर। तो ये है दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर, और कुछ इस प्रकार के ही सुपर कंप्यूटर हम देखते हैं। देख लीजिए ये है सुपर कंप्यूटर, कितने बड़े आकार में फैला हुआ है, कितने बड़े हॉल में ये मशीनें रखी हुई हैं। हमारी तो समझ में नहीं आएगा कौन सी मशीन किस काम की है, ठीक ना। तो ये है फ्रंटियर दोस्तों, ये है लेटेस्ट दुनिया का सबसे तेज चलने वाला
सुपर कंप्यूटर जो कि आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, सब लोग देख सकते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट भी लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। देखिए कितना शानदार लग रहा है यार। देखिए ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर। ऐसे होता है पढ़ाने का तरीका, कभी नहीं भूलोगे आप दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो फ्रंटियर है। किस देश ने बनाया? अमेरिका ने। किसको पछाड़ कर बनाया है? जापान के फुकाके कंप्यूटर को स्पीड में, और तेज होकर फ्रंटियर बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों, कभी भूलोगे तो नहीं। चलिए तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, और आपने अच्छे से देख लिया दोस्तों ये हमारे सुपर कंप्यूटर के बारे में आज हमने जाना। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी के साथ मिलेंगे। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।